नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। जौनपुर जफराबाद अंतर्गत धनीचा गांव में आग लगने से मचा कोहराम। एक ही रात में मुसहर बस्ती करीब 8 से 10 परिवार हुए बेघर। कल शाम करीब 7 बजे ग्राम सभा धनीचा में उस वक्त कोहराम बच गया जब वहां मुसहर बस्ती में करीब एक दर्जन मजे एक के बाद एक मजे जलने लगे। आग इतनी भयंकर थी कि उसके चपेट में करीब 8 से 10 मजे जलकर राख हो गए और करीब 8 से 10 परिवार रातों रात बेघर हो गए, जिनके पास ना तो खाने के लिए अन्न है और ना पहनने के लिए कपड़ा, न रहने के लिए मकान। यूं कहे तो रोटी कपड़ा मकान एक झटके में छिन गया। यूं कहा जाए तो उनके तन पर पहने हुए कपड़े के अलावा कुछ भी नहीं बचा। यहाँ तक कि उनका आधार, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, सिलेंडर, चूल्हा बर्तन, कपड़े और सब कुछ आग ने अपने आगोश में ले लिया। आग कैसे लगी किसी को नहीं पता और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिसे मुख्य रूप से ग्रामवासियों एवं जाफराबाद के थाने की पुलिस की भागीदारी अहम थी, जो सूचना पाते ही मौके पर पहुंच गई थी। साथ ही क्षेत्र के लेखपाल पालजी बिना समय गवाए रात में ही सूचना पाकर मौके की जांच पड़ताल की और सुबह पुनः मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। सीएन न्यूज ने घटना स्थल पर जायजा लिया और पाया कि वास्तव में गरीब परिवारों के पास ना तो रहने के लिए आवास है और ना खाने के लिए अन्न है, ना पहनने के लिए कपड़ा। ऐसी स्थिति में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि शासन प्रशासन किस तरह इन गरीब मजदूर परिवारों के भरण पोषण की व्यवस्था करता है। जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना अपने चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ ये गरीब ऐसी योजना का अभी तक लाभ क्यों नहीं ले पाए और ऐसी परिस्थिति में क्या इसको उनको लाभ मिलेगा या पहले की तरह फिर आहुति दे दी जाएगी और फाइल बंद कर दी जाएगी। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और गरीब वनवासियों को सुन सकते हैं, उनके दर्द को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसे मुख्यतः ओंकार मुसहर, पुत्र दशरथ मुसहर, मंगला मुसहर, गुलाब मुसहर, राजेश मुसहर, अखिलेश मुसहर, लालमन मुसहर, गुटलू मुसहर मुख्य है। जौनपुर से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता विनय कुमार की रिपोर्ट। मैं अवगत करा दूं कि कल आला अधिकारी जफराबाद थाने से लेकर लेखपाल सभी लोग शाम को 7:30 बजे करीबन यहाँ पर मौजूद हो गए थे और अपने पूरी प्रयास से इन्होंने पूरी मदद की। आग बुझाने से लेकर जनता के बीच में रहकर पानी से हर व्यवस्था उन्होंने प्रयास किया। उसी युक्त में हमारे साथ लेखपाल महोदय जो धनेजा के हैं, पाल जी, वो मौजूद हैं। जानते हैं उन्हीं से कि उन्होंने अपने रिपोर्ट और बाकी मदद के लिए इनका क्या व्यवस्था इन्होंने दिया है। तो लेखपाल साहब, आपने इनके लिए अभी तक क्या व्यवस्था दिया है, क्या आपके नज़रिए से इनके लिए ज़्यादा जांच में? धनेजा लेखपाल, सुधन कुमार पाल। जैसे मुझे सूचना मिली, मैं मौके पर आकर के, गरीब लोग हैं और पूरा जो है मुआयना करके जो भी इनका नुकसान हुआ है, मैं अपनी तरफ से पूरी प्रयास करूँगा कि इनको पूरा का पूरा मुआवजा कर लूँ। तो गरीब जनमानस ये आश्वस्त रहे कि आपका जो नुकसान इनका हुआ है, आपके माध्यम से जो सही रिपोर्ट जा रही है उस पर कार्यवाही हो। बिल्कुल, और जिलाधिकारी महोदय को भी मैंने निवेदन किया है कि उनको आवासीय व्यवस्था कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपसे। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।